दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक मिट्टी के मिश्रण की बात करेंगे कि हम मिट्टी का मिश्रण कैसे तैयार करें और मैं कैसे तैयार करता हूँ वो भी बताऊँगा मैं आपको। और ये दोस्तों जो भी चीज़ें मैं इसमें डालने के लिए बताऊँगा वो बिल्कुल फ्री की है, बिल्कुल बाज़ार से आपको कुछ भी खरीद के नहीं लाना है और बहुत ही अच्छा मिट्टी का मिश्रण आप तैयार कर लेंगे जिसकी वजह से आपके पौधे जो भी हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, उनमें फल फूल लगेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको परसेंटेज की बात नहीं करने वाला कि आप 50% मिट्टी डाल लीजिए, 40% सैंड मिला लीजिए, इस तरह की बातें नहीं करूँगा मैं। आप जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अपनी मिट्टी खुद बना सकते हैं और बहुत अच्छी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको समझ चाहिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला तो हमें सैंड कितनी मिलानी है ये आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है, आपकी मिट्टी कैसी है। अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूँ आप 50% मिट्टी लीजिए और 40% सैंड मिलाइए, जिसे मैं तो रेत कहता हूँ, आप लोग शायद बजरी भी कहते हैं। और मान लीजिए आपकी जो मिट्टी है वो पहले से बहुत सैंडी है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा रेत मिली हुई है, और आप मेरी वीडियो देखते हैं आपको लगेगा इन्होंने 40% बताया था सैंड मिलाने को, तो आप सैंड मिला देंगे तो उससे क्या हुआ कि आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सैंडी हो जाएगी दोस्तों, उसमें रेत ज़्यादा हो जाएगी। और जब आप ऐसी मिट्टी में कोई भी पौधा लगाएंगे और उसमें पानी देंगे तो उसमें पानी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, वो एकदम से ड्रेनेज होल से बाहर हो जाएगा पॉट के, और आपके गमले की मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाएगी। और जो पौधा जो है अपनी जड़ों के माध्यम से पौधे तक पानी नहीं पहुँचा पाएगा, आपके पौधे को पानी की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ के सूखने लग सकती हैं, उसमें जो भी कलियाँ आएंगी या फल फूल आएंगे वो गिर सकते हैं या आपका पौधा भी मर सकता है। तो पानी वगैरह की कमी ना हो इसके लिए आपको एक परफेक्ट मतलब एकदम सही आपको सोइल तैयार करनी है सैंड मिला के, इसलिए मैं आपको परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए पहले आपको खुद छू के देखना है हमारी मिट्टी कैसी है, अगर आपको मिट्टी सही लग रही है, सैंडी है, तो आप उसी हिसाब से इसमें बजरी या फिर रेत जिसे कहते हैं वो आपको मिलाना है, ज़्यादा अधिक संख्या में नहीं मिलाना है। तो परसेंटेज का तर्क तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज नहीं बताई, क्योंकि बहुत कुछ आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है और आपकी समझ बूझ पर भी निर्भर करता है, आप सोइल मिक्स कैसे बनाते हैं, आपको मिट्टी को छू के देखना है भुरभुरी है कैसी है। ये दोस्तों मैंने मिट्टी को अच्छी तरह सुखा के छान के रखा हुआ है, ये जो सैंड देख रहे हैं दोस्तों इसको भी मैंने अच्छी तरह छान के रखा हुआ है आपको सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए। वैसे तो मैं बाद में पॉटिंग मिक्स तैयार करूँगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा वो आपके संग शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसी तरह कर सकें। परसेंटेज को भूल जाइए, आप अपने हिसाब से बनाइए, आप खुद चेक कीजिए अपने हाथों से कि मिट्टी कैसी है, आपकी एकदम जो मिट्टी का मिश्रण है बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात दोस्तों आती है जब हम ये मिक्सर तैयार कर लेते हैं मिश्रण मिट्टी और रेत का, मेन मिश्रण तो यही है आपका, उसके बाद ये बात आती है कि आप मिट्टी को हल्का कैसे करें, यानी कि लाइट वेट। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे गमले रखे हैं और आप चाहते हैं कि छत पर ज़्यादा भार ना पड़े, तो उसके लिए मिट्टी को लाइट वेट करना पड़ेगा, यानी कम वजनदार बनाना पड़ेगा जिससे आपके गमले की मिट्टी हल्की रहे और आपको पॉट उठाने में भी असुविधा ना हो, आप इधर से उधर आसानी से कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो नाम आता है वो है हमारा कोकोपीट, और आना भी चाहिए दोस्तों, कोकोपीट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैं उसको अभी दरकिनार करता हूँ, साइड में रखते हैं उसको, हम सिर्फ फ्री वाली चीज़ों की बात करेंगे जो कोकोपीट का दोस्तों विकल्प है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कोकोपीट खरीद सके, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ फ्री की चीज़ें बताने वाला हूँ कोकोपीट का विकल्प जिससे आप अपनी मिट्टी को बहुत ही हल्का कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है दोस्तों राइस हस्क, जिसे दोस्तों धान की भूसी भी कहते हैं, ये मैंने अपने साथियों की वीडियो से ही सीखा है देख के, पहले मैंने इसका कभी यूज नहीं किया था लेकिन अब करने वाला हूँ, और ये आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी मैं बता रहा हूँ, अगर आपके आसपास कहीं चक्की है जहाँ पर आटा पिसता है तो वहाँ पर धान वगैरह भी कूटते हैं, तो वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, और ये मैं बिल्कुल फ्री में लाया हूँ, तीन केजी लाया था और 3 केजी में मेरा कट्टा भर गया,
जबकि मैंने उनसे पैसे के लिए भी कहा था, उन्होंने मना कर दिया। इतनी सी चीज़ के लिए कोई पैसे भी नहीं लेता, उन्होंने बिल्कुल मुझे फ्री में दे दिया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई राइस मिल है, राइस मिल मतलब जहाँ पे चावल निकलता है धान से, पेडी से, तो आप वहाँ से जाकर भी बहुत आसानी से राइस हस्क ले सकते हैं, यानी कि धान की भूसी। तो ये भी दोस्तों कोकोपीट का एक बहुत अच्छा विकल्प है, इसका यूज करिए। इसको आप दोस्तों अपनी मिट्टी के हिसाब से मिला सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, हिसाब से ही, कोई चीज़ हिसाब से ही ठीक रहती है। वैसे तो कोई भी तराजू लेकर नहीं बैठता, हर कोई अंदाजे से ही बताता है, और मैं भी अंदाजे से ही अपना मिश्रण तैयार करता हूँ। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, जिससे आप मिट्टी को हल्का कर सकते हैं, वो तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब ठंड का मौसम आने वाला है, अब आपको मार्केट में मूंगफली भी दिखेंगी, जिसे पीनट कहते हैं, तो आप जब भी लाएं घर में उसे खाएं, तो उसके छिलके जो होते हैं सेल, उसको आप फेंकें नहीं कूड़े में, उसको आप संभाल के रख लें, और उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लें, बारीक ना पीसें, दरदरा पीस लें, और उसे आप मिट्टी में मिला के अपनी मिट्टी का वजन को हल्का कर सकते हैं। और तीसरी एक और चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, तीसरी चीज़ है दोस्तों लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा आपको कारपेंटर की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वो भी फ्री में दोस्तों, तो वो भी ला के आप मिट्टी में मिला सकते हैं और अपनी मिट्टी को हल्का बना सकते हैं। और एक आइडिया और देता हूँ दोस्तों, जो शायद मैंने यूट्यूब पर तो देखा नहीं अभी तक, मैं दे रहा हूँ वो आइडिया, आपको सही लगे तो बताना। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है भूसी जो डंगरों को खिलाते हैं। अगर दोस्तों आप गांव देहात में रहते हैं, तो ये बहुत ही आराम से आपको ये भूसी आपको मिल जाएगी डंगरों खिलाने वाली। फिलहाल ये बारिश में पड़ी हुई थी, ये सड़ सी गई है थोड़ी, लेकिन और बढ़िया, जितना सड़ जाए उतना बढ़िया है, कंपोस्ट का काम भी करेगी। तो इसको आप मिट्टी में मिला के अपनी मिट्टी को लाइट वेट और हल्का बना सकते हैं। दोस्तों इस मिश्रण का पहला फायदा यह है कि आपकी मिट्टी बहुत ही हल्की बनेगी, दूसरा भुरभुरी और मुलायम रहेगी। जो हमने इसमें भूसा वगैरह डाला है हल्का करने के लिए मिश्रण को, उसकी वजह से आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी और आपकी मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, और पौधे को भरपूर मात्रा में पानी भी मिलेगा, और मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होने की वजह से जो पानी की निकासी है आपके गमले की वो ठीक रहेगी, और मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरीके से होगा, और जब आप गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई भी बड़ी आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ही मुलायम रहेगी आपकी। दोस्तों जब हमारा मिश्रण तैयार हो जाता है, मिट्टी का एक अच्छा मिश्रण और हल्का मिश्रण तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कंपोस्ट की। कंपोस्ट में आपके पास जो उपलब्ध हो, कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या फिर पत्तों की खाद हो या गोबर की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपके पास फ्री में उपलब्ध हो वो आप खाद डालिए, ज़रूरी है आप ख़रीद के डालिए। गोबर की खाद आपको फ्री में आसानी से मिल जाएगी। अगर गांव देहात में रहते हैं, किसी ने डंगर पाल रखे हैं आसपास, तो वहाँ बहुत सारा गोबरों का ढेर लगा होता है एक जगह, और वो सड़ता रहता है, वहाँ से आप ला सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैं आपको नहीं कहूँगा कि बर्मी कंपोस्ट आप ख़रीद के लाइए, जब आपको फ्री में खाद उपलब्ध हो सकती है तो आप क्यों ख़रीद के लाएंगे। आप इसको फ्री में ले आइए, आपको मिल जाएगी खाद आराम से। उसके बाद आप घर में जो भी खाद है, किचन के कचरे से थोड़ा टाइम लगेगा, बनाते रहिए, तब तक ये खाद डालते रहिए, और पत्तों की खाद और तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र जो दी जाती हैं आप दे सकते हैं। आप मिट्टी के हिसाब से इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं अंदाजे से। दोस्तों मैं जो सोयल का मिश्रण बनाता था पहले, मैं सिर्फ सैंड और मिट्टी मिला के रख देता था, और जब मुझे कोई पौधा लगाना होता था तब उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड करता था, वो भी गोबर की। लेकिन इस बार मैं मिट्टी में राइस हस्क यानी धान की भूसी भी मिला के रखूँगा, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसमें कंपोस्ट ऐड करूँगा। दोस्तों मैं बाद में खाद ऐड करता हूँ जब मुझे पौधा लगाना होता, पहले से मिला के नहीं रखता, बाकी चीज़ें मैं मिक्स करके रख देता हूँ। अब बात आती है दोस्तों फंजीसाइड के तौर पर हम क्या यूज करें। आप बाज़ार से फंजीसाइड लाएंगे वो काफ़ी महंगा होता है, मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आप फंजीसाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं, फफूंदी नाशक के तौर पे। पहला है दोस्तों नीम की खली, ये कोई बाजार वाली नीम की खली नहीं है, ये मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें बताया भी था कैसे बनाना है,
मैं इसी में बता देता हूँ, आप पत्तियाँ लाइए नीम की, उसे सुखा लीजिए धूप या छाए में, उसे हाथ से क्रश कर लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। आपकी नीम की खली तैयार। अगर आप उसमें नीम की निबोरी जो उस पर फल लगता है पेड़ पे, अगर उसको ला के सुखा के पीसेंगे तो और भी बढ़िया आपकी नीम की खली बनेगी। तो दोस्तों इस तरह आप नीम की खली बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं बिना मार्केट से लाए, और आपके पैसे भी बचेंगे। और आप क्या उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह है हल्दी पाउडर। आपको पता है कि हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर आप इसे मिट्टी के हिसाब से अपनी मिट्टी में मिला देते हैं, एक चम्मच या दो चम्मच जितनी मिट्टी है उसके हिसाब से, तो जो भी प्रॉब्लम है आपके मिट्टी में फंगस की व कीटों की, वो नहीं होगी। तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प है फंगिसाइड के रूप में। तीसरा विकल्प जो है दोस्तों, आप जिसका फंगिसाइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, वो है दोस्तों राख, चाहे वो लकड़ी की व कंडे की। आप इस राख को अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। आप पहले देखें अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको राख को मिलाना है। 2 किलो मिट्टी है तो आप 100 ग्राम मिला सकते हैं राख को। अच्छी तरह मिक्स कर लें, फंगस वगैरह की समस्या है, कीट की समस्या है, तो वो आपकी मिट्टी में नहीं होगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका पूरा का पूरा सोयल मिश्रण का काम फ्री में हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा।